प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहना अभी तक कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर भारी पड़ रहा है, मगर पहली बार कांग्रेस को कोर्ट के फैसले से करारा झटका लगा है। कांग्रेस ने प्लान किया है कि वो सूरत कोर्ट के फैसले को अपने कोर्ट में चुनौती देगा, साथ ही सूरत कोर्ट के फैसले पर टिका टिप्पणी भी कर रहा है, मगर ये मामला जितना कानूनी है उससे कई ज्यादा राजनीतिक असर रखने वाला भी है। बीजेपी ने आज राहुल पर कार्रवाई तेज कर दी है और बचाव कांग्रेस भी लगातार कर रही है, इसके लिए कांग्रेस मैदान में उतर गई है। इन सब के बीच दोषी करार दिए गए राहुल गांधी खुद का बचाव भी बड़ी ही खामोशी से करते दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना? राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। यही विचारधारा ने इंदिरा गांधी जी को जेल में डाला था, केसेस किए थे, आज वही गलती भाजपा कर रही है। दोपहर 1:36 पर राहुल गांधी ने इंकलाब जिंदाबाद वाला ये ट्वीट किया और लिखा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस पर सादर नमन। सच और हिम्मत का दामन थाम देश के लिए बेखौफ लड़ते जाना भारत माँ के इन्हीं वीर सपूतों से सीखा। पूरा देश अपने वीर सपूतों की शहादत को सलाम कर रहा है। राहुल गांधी ने भी सजदा में सिर झुकाया, मगर ट्वीट किया सूरत कोर्ट से दोषी करार दिए जाने, सजा मुकर्रर होने के 2 घंटे बाद, यानी राहुल मोदी विरोध की प्रयोगशाला में अपने लिए विक्टिम कार्ड खेलने लगे। कुछ यही प्रयोग गुजरात से लेकर दिल्ली तक उनकी पार्टी में दिखा। सूरत में तिरंगा मार्च का घेरा और दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सैलाब। राहुल गांधी पर आए सूरत कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने उस हथियार के तौर पर लिया जो राहुल को मोदी विरोधी खेमे का सबसे बड़ा चेहरा बनाकर स्थापित कर दे। गलत केसेस को थोपकर आवाज को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। साथ साथ इससे कहीं ज्यादा आपत्तिजनक वक्तव्य दिन प्रतिदिन इनके द्वारा, इनके मंत्रियों द्वारा, इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा को अनदेखी अनसुनी कर दिया जाता है। आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है, तो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं। मगर ये तो कहानी का सिर्फ एक सिरा है। दूसरे सिरे में कांग्रेस के लिए टेंशन और कहीं ज्यादा है, क्योंकि राहुल गांधी को जिस आपत्तिजनक टिप्पणी में 2 साल की सजा हुई और 15,000 का जुर्माना लगा, उनकी टिप्पणी न सिर्फ घोर जातिवादी थी बल्कि देश के ओबीसी समाज के एक हिस्से के सेंटिमेंट को चोट पहुंचाने वाली भी थी। यही वजह है कि सूरत कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी के धुरंधरों ने चढ़ाई तेज कर दी। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ बाकी को भी नुकसान होता है। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है, और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। अब तक कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जितने भी विवादित टिप्पणियां की गई, गाली थाली बजाई गई, चुनावी मैदान में हर बिगड़े बोल से कांग्रेस के ही हाथ झुलसे, मगर 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की मोदी सरनेम वाली विवादित टिप्पणी ऐसी थी जिसे कानून की चौखट तक पहुंचाया गया। उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार ये निर्णय हुआ।
जहां तक मेरी जानकारी है बिहार भाजपा के नेता सुशील मोदी ने भी पटना में एक केस कर रखा है और वहां भी राहुल गांधी बेल पर है और जल्दी वो सुशील मोदी के साइड का एविडेंस पूरा हो गया, उन लोग का एविडेंस शुरू होगा इनका। फिलहाल राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर अभी कोई खतरा नहीं है क्योंकि राहुल गांधी ऊपरी अदालत में सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। जब तक मामले की सुनवाई होगी और फैसला आएगा तब तक राहुल गांधी की सदस्यता खत्म नहीं होगी। टीम न्यूज़ नेशन।